रविवार को गोवर्धन चौराहे के समीप शिवनगर कॉलोनी में दो पक्षों में रास्ते में बिछी खटिया को हटाने को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें रीता नामक महिला एवं उसके ससुर ओम प्रकाश घायल हो गए। रीता का आरोप है कि वह मंदिर से लौट रही थी, तभी कुछ असामाजिक तत्व रास्ते में खटिया डालकर रास्ता अवरुद्ध कर रखा था, जिनसे जब उसने रास्ते में खटिया हटाने को कहा तो इसी बात को लेकर रज्जू और गुरु नानक दो युवकों ने उनके साथ मारपीट कर दी। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं महिला ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। हम पूजा करने जा रहे थे तो उन्होंने पकड़ के नहीं हमें फामड़ा मारा और छेड़खानी की। हमारे पापा आए तो उनमें पता नहीं क्या मारा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे तो सर चक्कर आ गए थे। फिर हमारे घर वाले आए तो उनको भी कुछ मारा, वो गैरस हो गई, लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं वो। वो हमारे पड़ोसी हैं, बगल में ही पहले घर है, पहला घर उनका ही, दूसरा हमारा है। पहले कोई रंज चली आ रही है? नहीं, कुछ नहीं चली आ रही है। आज किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? आज पता नहीं, वो सड़क बन रही है हमारे यहाँ पर, तो कुछ इन्हें सुबह पापा इन घर वालों ने हमारे ने कुछ कही थी। अब उन्होंने पहले डंडे वंडे सब तैयार करके रख के, हमें नहीं मालूम क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। हम तो पूजा करके आ रहे थे मंदिर से।